हेलो प्यारे बच्चों, देखो आपकी ARPS कॉमिक्स एक बार फिर पाठ्यक्रम आधारित कॉमिक्स की श्रृंखला में कक्षा 4 के पाठ 3 जब मैं पढ़ता था, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आत्मकथा पर आधारित है, को प्रस्तुत कर रही है। इस पाठ में छात्रों को सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी शिक्षा है इसमें। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं और सुनकर सीखते हैं पाठ जब मैं पढ़ता था। मेरे पिताजी करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थीं। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए, तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में और वहां से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण पितृ भक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बायोस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठा कर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है भला। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, तो यह मेरे लिए असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीजों में न लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहां ना जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। उस समय
मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला, बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया, मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ यह कैसे सिद्ध करूँ, कोई उपाय नहीं था। मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। तो देखा आपने, इस पाठ से सीखा आपने कि झूठ नहीं बोलने के साथ साथ सावधान भी रहना है आप सभी को। हमारे बापू का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है, साथ ही साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को है। तभी तो कहते हैं ARPS Comics.